नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि गौमुखी प्लाट जाबूखंड कैसा होता है और अलग अलग दिशाओं में बने गौमुखी घर में रहने वाले लोगों पर इस प्लाट जाबूखंड का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, पुरातन समय से ही लोगों द्वारा गौमुखी प्लाट जाबूखंड को घर बनाने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के प्लाट का पिछला हिस्सा चौड़ा और आगे का हिस्सा आगे आते आते कम चौड़ा जा सकरा हो जाता है, यानी कि इस प्रकार के प्लाट के एक या दो कोने वर्गाकार या आयताकार प्लाट से हटकर एक या दो दिशाओं में बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस प्लाट का आकार गाय की संरचना के समान लगता है, यानी कि पीछे से चौड़ा और आगे से थोड़ा तंग होता है, इसलिए इसे गौमुखी प्लाट कहा जाता है। दोस्तों, यह प्लाट घर बनाने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को सुख शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि और धन की बहुत प्राप्ति होती है और घर के हर प्राणी का विकास होता है। लेकिन दोस्तों, वास्तु के अनुसार इस प्रकार के प्लाट को खरीदते समय इस प्लाट की दिशा और इसके आकार का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वास्तु में किसी भी प्लाट की शुभता उसके आकार और उसकी दिशा पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर ऐसे प्लाट को दिशाओं का ध्यान रखकर ना खरीदा जाए तो यह प्लाट आपके लिए हानिकारक हो सकता है, यह प्लाट आपके विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार गौमुखी प्लाट घर या दुकान बनाने के लिए कितना शुभ होता है और कितना अशुभ होता है। दोस्तों, गौमुखी प्लाट की दिशा और इसके आकार की शुभ अशुभ स्थिति को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। मान लो दोस्तों, एक गौमुखी प्लाट की पश्चिम दिशा की तरफ सड़क है, यानी कि प्लाट पश्चिम मुखी है। दोस्तों, अगर ऐसे प्लाट को वर्गाकार या आयताकार प्लाट के रूप में देखा जाए तो इस प्लाट की उत्तर दिशा की तरफ उत्तरी ईशान कोण बढ़ जाएगा और दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिणी अग्नि कोण बढ़ जाएगा। दोस्तों, जिस प्लाट की उत्तर दिशा की तरफ उत्तरी ईशान कोण बढ़ जाता है उसे वास्तु के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। इस कोण के बढ़ने के कारण घर के सदस्यों को ऐश्वर्य, उन्नति, धन लाभ और असीमित जायदाद की प्राप्ति होती है, यानी कि घर के सदस्यों को जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, इसी प्लाट के दूसरी तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिणी अग्नि कोण भी बढ़ जाएगा। वास्तु के अनुसार किसी भी प्लाट के अग्नि कोण का बढ़ना अशुभ माना जाता है। इसके बढ़ने के कारण परिवार के सदस्यों में झगड़े, बीमारियां, मानसिक तनाव और धन का नाश होता है। इसलिए दोस्तों, पश्चिम मुखी गौमुखी प्लाट में उत्तरी ईशान कोण के बढ़ने के कारण जहां आपको लाभ होगा, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी अग्नि कोण के बढ़ने के कारण आपको हानि भी होगी। इसलिए दोस्तों, ऐसे गौमुखी प्लाट को खरीदने से पहले किसी एक्सपर्ट वास्तुशास्त्री की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा गौमुखी प्लाट मिल रहा हो जो सिर्फ उत्तरी ईशान कोण में बड़ा हो, तो आप ऐसे प्लाट को बेचकर खरीद सकते हैं। यह प्लाट आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ऐसे प्लाट में घर बना के रहने से या ऐसे प्लाट में व्यापार करने से आपके जीवन की सभी इच्छाएं आसानी से पूरी होगी। गौमुखी प्लाट की शुभ अशुभ स्थिति को समझने के लिए उदाहरण नंबर दो। मान लो दोस्तों, एक गौमुखी प्लाट की दक्षिण दिशा की तरफ सड़क है, यानी कि प्लाट दक्षिण मुखी है। दोस्तों, अगर ऐसे प्लाट को वर्गाकार या आयताकार प्लाट के रूप में देखा जाए तो इस प्लाट की पूर्व दिशा की तरफ पूर्वी ईशान कोण बढ़ जाएगा और पश्चिम दिशा की तरफ पश्चिमी वायव्य कोण बढ़ जाएगा। वास्तु के अनुसार दोस्तों, किसी भी प्लाट के पूर्वी ईशान कोण का बढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, धन और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, इसी प्लाट के दूसरी तरफ यानी पश्चिम दिशा की तरफ पश्चिमी वायव्य कोण भी बढ़ जाएगा। इस कोण के बढ़ने के कारण घर के लोग चंचल स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण उन्हें अपमान, धनहानि और गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ऐसे घर में रहने वाले लोगों को कई प्रकार की चिंताओं, तनाव और लड़ाई झगड़े का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, दक्षिण मुखी गौमुखी प्लाट में पूर्वी ईशान कोण बढ़ने के कारण जहां आपको लाभ होगा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी वायव्य कोण बढ़ने के कारण आपको अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, ऐसे गौमुखी प्लाट को पूरी जांच पड़ताल करके ही खरीदना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा गौमुखी प्लाट मिलता है जो सिर्फ पूर्वी ईशान कोण में बड़ा हो, तो आप ऐसे प्लाट को बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। यह प्लाट आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ऐसे प्लाट में घर बना के रहने से आपके जीवन की सभी इच्छाएं आसानी से पूरी होंगी। गौमुखी प्लाट की शुभ अशुभ स्थिति को जानने के लिए उदाहरण नंबर 3। मान लो दोस्तों, एक गौमुखी प्लाट की
पूर्व दिशा की तरफ सड़क है, यानी कि प्लाट पूर्व मुखी है। दोस्तों, अगर ऐसे प्लाट को वर्गाकार या आयताकार प्लाट के रूप में देखा जाए तो इस प्लाट की उत्तर दिशा की तरफ उत्तरी वायव्य कोण बढ़ जाएगा और दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिणी निरत कोण बढ़ जाएगा। वास्तु के अनुसार दोस्तों, किसी भी प्लाट के उत्तरी वायव्य कोण का बढ़ना बहुत अशुभ माना जाता है। इस कोण के बढ़ने के कारण घर के सदस्यों को अपमान, अशांति, तनाव और लड़ाई झगड़े से हमेशा पीड़ा होगी, जिसके कारण घर में हमेशा सुख का अभाव रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, इसी प्लाट के दूसरी तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिणी निरत कोण भी बढ़ जाएगा। वास्तु के अनुसार इस कोण का बढ़ना भी बहुत अशुभ माना जाता है। इस कोण के बढ़ने के कारण घर के स्वामी की अकाल मृत्यु होने की संभावना होती है। इसके साथ ही घर के सदस्यों को कई तरह की बीमारियों और आर्थिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, पूर्व मुखी गौमुखी प्लाट को वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा गौमुखी प्लाट खरीदता है तो यह प्लाट उसके विनाश का कारण बनता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को हर काम में असफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई गौमुखी प्लाट खरीदें तो हमेशा किसी एक्सपर्ट वास्तुशास्त्री की सलाह लेकर ही खरीदें। गौमुखी प्लाट की शुभ अशुभ स्थिति को समझने के लिए उदाहरण नंबर 4। मान लो दोस्तों, एक गौमुखी प्लाट की उत्तर दिशा की तरफ सड़क है, यानी कि प्लाट उत्तरमुखी है। दोस्तों, अगर ऐसे प्लाट को वर्गाकार या आयताकार प्लाट के रूप में देखा जाए तो इस प्लाट की पूर्व दिशा की तरफ पूर्वी अग्निकोण बढ़ जाएगा और पश्चिम दिशा की तरफ पश्चिमी निरत कोण बढ़ जाएगा। वास्तु के अनुसार दोस्तों, किसी भी प्लाट के पूर्वी अग्निकोण का बढ़ना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसे घर में संतान प्राप्ति में मुश्किलें आती है और इससे घर के सदस्यों को बीमारियों, तनाव, क्लेश और मानसिक शांति का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, इस प्लाट के दूसरी तरफ यानी पश्चिम दिशा की तरफ पश्चिमी निरत कोण भी बढ़ जाएगा। वास्तु के अनुसार दोस्तों, इस कोण का बढ़ना भी बहुत अशुभ माना जाता है। इस कोण के बढ़ने के कारण घर के लोग बुरी संगत और कुकर्मों में पड़कर फालतू चीज़ों पर धन खर्च करेंगे। इसके साथ ही घर के लोग आलसी, जिद्दी और फालतू कामों पर धन और समय नष्ट करने वाले होंगे। इसलिए दोस्तों, उत्तरमुखी गौमुखी प्लाट को भी वास्तु के अनुसार घर बनाने के लिए बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इन उदाहरणों के जरिए समझ में आ गया होगा कि हर गौमुखी प्लाट या भूखंड घर या दुकान बनाने के लिए शुभ नहीं होता। वास्तु के अनुसार किसी भी प्लाट की शुभता उसके आकार और उसकी दिशा पर निर्भर करती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई गौमुखी प्लाट खरीदें तो इस प्लाट को खरीदने से पहले आप इसे किसी एक्सपर्ट वास्तुशास्त्री से चेक जरूर करवा लें, ताकि आपको इस प्लाट के कारण ज़िंदगी में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।